महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते के ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायक जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए इस शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले और पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने की आत्मशक्ति प्रदान करने वाली ऐसी हमारी माता माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए समाज में पैदा हुए समस्त संत गुरु वीर वीरांगनाएं सभी के चरणों में नमन करते हुए भारत में रहने वाले सभी शोषित पीड़ित दबे कुचले गरीब सभी को मत अधिकार दिलाने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी वक्तागण विद्वानगण प्रोफेसर रतनलाल जी आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और मंच के सामने दर्शक दीर्घा में आए हुए मेरी माताएं बहने बुजुर्ग साथी आप सभी को सतीश बोध का क्रांतिकारी जय भीम जय भीम का इस्तकबाल अगर जय भीम से ना हो तो बात में दम नहीं आता और अगर जय भीम में रवानी ना हो तो शरीर में जवानी नहीं आती और हलक से बात निकले और शरीर में ऊर्जा पैदा ना हो तो ऐसी जवानी भी किसी काम नहीं आती दोनों हाथ ऊपर करेंगे मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करेंगे दोनों हाथ करेंगे बेटा बोलेंगे ये जो जितने पत्रकार भाई है ना आपको बड़ा बेहतरीन मसाला मिलने वाला है मस्त मसाला मिलेगा मजाक नहीं कर रहा हूं बड़ी गंभीर चिंतन करने के बाद आपके बीच में आया हूं और बहुत सारे लोगों के कपड़े फाड़ के नंगा करके उनकी असलियत और असली चेहरे आपके सामने आज दिखाने आया हूं